तो ये है 8 जनवरी का फर्स्ट एडिटोरियल, अ बैटल ओवर वेलफेयर। बैटल का मतलब लड़ाई, जो कि एक नाउन है। वेलफेयर परोपकार को, कल्याण को बोलते हैं, ये भी नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है और आर्टिकल लगा हुआ है बैटल से पहले। तो वेलफेयर पर लड़ाई, वेलफेयर वर बैटल, ये इस हेडलाइन का मतलब है। द आप राजनीतिक पार्टी है, इसलिए द का प्रयोग है। विल होप दैट द असेंबली पोल्स आर अ रेफरेंडम ऑन इट्स गवर्नमेंट्स वर्क। आप पार्टी जो है विल होप, या आशा करेगी, दैट की द असेंबली पोल्स, जो विधानसभा चुनाव हैं, आर अ पोल्स प्लूरल है, चुनाव इस कारण से आर है, अ रेफरेंडम, रेफरेंडम नाउन है, इसका मतलब जनमत होता है, ऑन इट्स गवर्नमेंट्स वर्क, ऑन रेफरेंडम जनमत होगा किस पर, इट्स, इट्स यहाँ पे आपके लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट्स वर्क सरकार का काम काज जो भी है। तो आप सरकार यहाँ पे, आप जो पार्टी है वो यहाँ पे आशा करेगी कि असेंबली पोल्स जो होंगे वो उसके किए गए कार्य, उसके सरकार द्वारा किए गए कार्य का जनमत होगा। दिल्ली द यूनियन टेरिटरी दैट होस्ट इंडियाज़ कैपिटल सिटी माइट लैग बिहाइंड सेवरल स्टेट्स इन टोटल पॉपुलेशन एंड एरिया, बट इट एन्जॉयज आउटसाइड सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड पॉलिटिकल अटेंशन। दिल्ली, अब दिल्ली यहाँ पे नाउन, इसके बाद में कोमा लगा के एक और नाउन, यूनियन टेरिटरी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं यूटी, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए भी आजकल यूटी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। जब दो नाउन साथ में आती है तो उसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो कोमा के बाद वाली नाउन होती है उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यही कारण है कि यूनियन टेरिटरी से पहले द का प्रयोग है। तो दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, दैट होस्ट इंडियाज़ कैपिटल सिटी, जो भारत की जो राजधानी है उसको होस्ट करती है, उसको मेज़बानी करती है, होस्ट का मतलब मेज़बानी करना। तो दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है वो भारत की राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब भारत की राजधानी है। माइट, माइट एक मॉडल है जिसका मतलब होता है कि रिमोट पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि हो सकता है ऐसा हो। लैग बिहाइंड का मतलब पिछड़ना, फिसड्डी होना यूँ कह सकते हो, पीछे होना कह सकते हो। सेवरल स्टेट्स, सेवरल का मतलब अनेक है, सेवरल के साथ जो भी नाउन लगती है प्लूरल लगती है, तो स्टेट्स यहाँ प्लूरल नाउन है। इन टोटल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या इन एरिया, क्षेत्र में, तो दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है और भारत की राजधानी है, वो हो सकता है कि अनेकों राज्य से पीछे हो किस चीज़ में, पॉपुलेशन में और एरिया में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से। बट लेकिन इट एन्जॉयज आउटसाइज सिग्निफिकेंस, आउटसाइज का मतलब दूसरों से ज़्यादा कह दीजिए, तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस नाउन है। इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड पॉलिटिकल अटेंशन, इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस संदर्भ में, ठीक है। तो मीडिया और पॉलिटिकल अटेंशन, राजनीतिक, मीडिया का तो ध्यान है और राजनीतिक जो अटेंशन है उसके लिहाज से ये दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो क्या कहा गया है कि दिल्ली जो हो सकता है दूसरे राज्यों से मतलब थोड़ा कम हो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन राजनीतिक अटेंशन जो है और मीडिया का अटेंशन जो है वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा दिल्ली में होता है। विद 1.47 करोड़ इलेक्टर्स स्प्रेड अक्रॉस द लार्जली मेट्रोपॉलिटन नेशनल कैपिटल रीजन एंड इट्स पॉकेट्स ऑफ रूरल वोटर्स इन सब अर्ब्स, दिल्ली इज एक्सपेक्टेड इन पोल्स शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे 8 टू रिप्राइज द 3-corner electoral fight which has been the norm in recent elections. With 1.47 करोड़ electors, तो electors का मतदाता है, इसको electorate भी कहा जा सकता था, और electorate अगर आता तो इसका plural भी electorate ही होता है, इसका plural s लगा के नहीं बनाया जा सकता। तो with 1.47 करोड़ electors, तो 1.47 करोड़ electors के साथ, मतदाताओं के साथ, spread across जो फैले हुए हैं, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तो जो फैले हुए हैं, अक्रॉस का मतलब संपूर्ण रूप से कह दीजिए, चारों तरफ कह दीजिए, द लार्जली, लार्जली का मतलब बड़े स्तर पर, मेट्रोपॉलिटन महानगर को बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो 1.47 करोड़ मतदाता हैं जो कि इस महानगर में फैले हुए हैं, इसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, जिसको NCR के नाम से भी जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, NCR में फैले हुए हैं। एंड इट्स पॉकेट्स, पॉकेट्स का मतलब यहाँ पे एरिया है, स्मॉल एरियाज को बोलते हैं पॉकेट्स, और इसके जो इट्स यहाँ पे किसके लिए है, इस दिल्ली के लिए है, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए है, और इसके क्षेत्र में ऑफ रूरल वोटर्स, वो क्षेत्र जहाँ पे ग्रामीण मतदाता रहते हैं, इन सम सब अर्ब्स, सब अर्ब का मतलब है उपनगर, इसके कुछ जो उपनगर हैं यह है ना, उसमें कुछ रूरल वोटर्स का जो क्षेत्र है वहाँ पे
तो दिल्ली इज एक्सपेक्टेड, तो इन मतदाताओं के साथ दिल्ली से ऐसी आशा की जाती है, इज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो दिल्ली से आशा की जाती है इन पोल्स शेड्यूल्ड ऑन फेब्रवरी 8, चुनाव में जो चुनाव शेड्यूल्ड हैं, जो चुनाव होने हैं फेब्रवरी 8 को। ये डेट लिखने का तरीका है कि महीने का नाम पहले और उसके बाद में डेट, तो फेब्रवरी 8 और उससे पहले प्रेपोजिशन ऑन है तो डेट से पहले प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। टू रिप्राइज, रिप्राइज का मतलब होता है रिपीट करना, कि फेब्रवरी 8 को जो चुनाव होने हैं उसमें ये रिपीट करेगा द थ्री कॉर्नर्ड इलेक्टोरल फाइट, थ्री कॉर्नर्ड त्रिकोणीय इलेक्टोरल चुनावी फाइट लड़ाई विच हैज़ बीन, विच यहाँ पे इस इलेक्टोरल फाइट के लिए, थ्री कॉर्नर फाइट के लिए, त्रिकोणीय संघर्ष के लिए है, विच हैज़ बीन द नॉर्म इन रिसेंट इलेक्शन, जो कि आजकल नियम बन चुका है, नियम बना दिया गया है कि तीन पार्टीज तो कम से कम हो ही, तो यहाँ पे हाल ही के इलेक्शंस में, रिसेंट का मतलब हाल ही में इलेक्शंस का चुनाव, तो हाल ही के इलेक्शंस में ट्रेंड बना दिया गया है या रहा है, ठीक है। तो हैज़ बीन है क्योंकि हैज़ के साथ तो बीन ही लगा सकते हैं, बींग लगता नहीं, याद रखना हैज़ के साथ में, हैज़ के साथ बींग नहीं लगता, बीन लगता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए 1.47 करोड़ मतदाता हैं जो कि NCR क्षेत्र में फैले हुए हैं और इसके कुछ उपनगरों में ग्रामीण वोटर्स के जो क्षेत्र हैं वहाँ फैले हुए हैं। तो इन मतदाताओं के साथ दिल्ली से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि चुनाव जो कि 8 फरवरी को होने हैं, ये यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रिपीट करेगा त्रिकोणीय संघर्ष जो कि आजकल हाल ही के इलेक्शंस में ट्रेंड रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा या फिर झारखंड में देखा या कहीं भी जैसे हरियाणा में चुनाव हुए उसमें त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला, वैसा यहाँ पे ऐसी आशा की जाती है दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष होगा। द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी विच ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ग्रेजुएट का एक तो स्नातक होना होता है अगर आप एजुकेशन की बात करें उस संदर्भ में, एक ग्रेजुएशन का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड और इम्प्रूव, धीमे धीमे आगे बढ़ना, सुधारना, तो यहाँ पे सुधारने के सेंस में है। तो यहाँ पे डेवलप हुई थी, अपग्रेड हुई थी आम आदमी पार्टी किससे, सोशल मूवमेंट से, सोशल मूवमेंट से ये निकल कर आई थी, एक सामाजिक आंदोलन था उससे निकल कर आई थी, अन्ना हजारे के समय में जो जन लोकपाल या लोकपाल नियुक्त करने के संदर्भ में एक आंदोलन हुआ था उससे निकल कर पार्टी आई थी टू ए पॉलिटिकल पार्टी। और ये इसका विकास कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुई है, सोशल मूवमेंट से स्टार्ट होकर एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप इसने लिया, एक राजनीतिक पार्टी का रूप इसने लिया लेस देन अ डिकेड अगो, और एक दशक से कम का समय बीता है इस चीज़ में, एक दशक पहले की बात है। विल नाउ सीक टू, अब ये विल जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है, देखिए ये सब्जेक्ट था, यहाँ से जोड़ेंगे आप इसको, विल नाउ सीक, सीक का मतलब चाहना या तलाश करना होता है, तो आम आदमी पार्टी जो है अब सीक का मतलब चाहेगी टू स्टैंड ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड, कि वो इस पर आधारित रहे, स्टैंड ऑन का मतलब आधारित रहे, गवर्नेंस रिकॉर्ड का मतलब जो भी इसका शासन रहा है उस रिकॉर्ड पर ये आश्रित रहना चाहेगी, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है दिल्ली में, तो अपना जो भी रिकॉर्ड है, जो भी गवर्नेंस का कार्य किया है, जो भी इन्होंने सुशासन दिखाया है उस रिकॉर्ड पर आश्रित रहेगी। 5 ईयर्स आफ्टर नियरली स्वीपिंग द असेंबली रिजल्ट्स इन 2015, जबकि 2015 में 5 साल पहले नियरली लगभग स्वीपिंग द असेंबली पोल्स, कंप्लीट स्वीप ही कर दिया था इसने, क्लीन स्वीप किया था असेंबली रिजल्ट्स में, 70 सीटों में से 67 सीट्स प्राप्त की थी, केवल 3 सीट्स बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, खाता नहीं खुल सका था, तो उसके बाद यहाँ पे चाहेगी गवर्नेंस रिकॉर्ड पर आश्रित रहे। एक बार फिर देखिए, आम आदमी पार्टी जो कि एक दशक पहले एक सोशल मूवमेंट हुआ था उससे उभर कर आई थी, एक राजनीतिक पार्टी का रूप इसने लिया था, अब ये चाहेगी कि गवर्नेंस रिकॉर्ड पर स्टैंड करें 5 साल के बाद, और 5 साल जो 2015 में चुनाव हुए थे उसमें असेंबली पोल्स में इसने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। द भारतीय जनता पार्टी विल होप दैट अनलाइक इन महाराष्ट्र, झारखंड एंड हरियाणा, द लीजन्स ऑफ वोटर्स हु सपोर्टेड इन द लोकसभा इलेक्शन विल नॉट ट्रांसफर देयर वोट्स टू इट्स कंपिटिटर्स। भारतीय जनता पार्टी, ये भी देखिए पार्टी का नाम है इसलिए दय का प्रयोग है, विल होप, ये फ्यूचर इनडेफिनेट हो गया है, ये आशा करेगा दैट अनलाइक इन महाराष्ट्र, अनलाइक का मतलब के विपरीत, कि महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा उसके विपरीत द लीजन्स ऑफ वोटर्स, लीजन का मतलब होता है समूह, होर्ड कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, क्राउड कह सकते हो, मोब कह सकते हो, स्वाम कह सकते हो, तो एक ग्रुप झुंड के लिए यूज करते हैं, कि वो मतदाताओं का समूह हु सपोर्टेड इट इन द लोकसभा, जिसने हु यहाँ पे वोटर्स के लिए है सपोर्टेड, समर्थन किया, इट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा से पहले दे लगता है, लोकसभा चुनावों से में जो सपोर्ट किया था, विल नॉट ट्रांसफर देयर वोट्स, वो अपने वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे टू इट्स कंपिटिटर्स, उनके प्रतिस्पर्धियों मतलब कांग्रेस और आपको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट किया था। वाइल द कांग्रेस विल सीक, जबकि
वाइल जबकि द कांग्रेस पार्टी का नाम में फिर से दे है, विल सीक, ये चाहेगी, सीक का चाहना तलाशना, टू रीगेन द सपोर्ट, रीगेन का पुनः प्राप्त करना, री का मतलब पुनः, गेन का मतलब प्राप्त करना, कि ये फिर से सपोर्ट प्राप्त करना चाहेगी, ऑफ द यूटीज पुअरर एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस, ये यूटी केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली की बात है, इसकी जो पुअरर अधिक गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शंस जो तबका हाशिए पर है एकदम, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, मार्जिनल लाइन होती है नोटबुक में भी हमारे इस प्रकार से, तो कम इम्पोर्टेंट कह सकते हो जिसको माना गया है, हाशिए पर रखा गया है, वो जो तबका है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा, मोस्ट ऑफ होम शिफ्टेड एलिजेंस टू द आप इन 2015, जिनमें से अधिकांश, मोस्ट अधिकांश के अर्थ में है, और मोस्ट जब अधिकांश या ऑलमोस्ट के अर्थ में आता है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जबकि मोस्ट अगर डिग्री सुपरलेटिव के अर्थ में आता है और एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव होती है तो दे का प्रयोग करते हैं, मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होता है तो ए लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ होम जिनमें से अधिकांश जो है शिफ्टेड एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, जिनमें से अधिकांश ने अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी जो है शिफ्ट कर ली थी, आपके प्रति वफादारी दिखाई थी, लॉयल्टी दिखाई थी इन 2015 में। एक बार फिर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आशा करेगी कि जिस प्रकार का रिजल्ट आया था महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में, वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, और यहाँ का जो जनता है जिसने इसको लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट किया था वो यहाँ पे अपने वोट्स अपने कंपिटिटर्स को शिफ्ट नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि यूटी की जो गरीब जनसंख्या है या हाशिए पर जो तबका है, जो कम इम्पोर्टेंट तबका है, वो यहाँ पर सपोर्ट करे, फिर से सपोर्ट प्राप्त करना चाहेगी, जिसने अपनी लॉयल्टी जो है 2015 में आप पार्टी के प्रति दिखाई थी। द आप, इफ़ मल्टीपल ओपिनियन पोल्स आर टू बी बिलीव्ड, द आप जो आप पार्टी है, इफ़ यदि मल्टीपल जो अनेकों ओपिनियन पोल्स, जो भी ओपिनियन पोल्स हैं, जो ओपिनियन पोल्स मतलब एक प्रकार रुझान दर्शाने वाले जो ओपिनियन पोल्स हैं, आर टू बी बिलीव्ड, यदि इनका विश्वास किया जाए, पैसे वॉइस है, आर पोल्स के लिए है, टू बी बिलीव्ड, यदि इनका विश्वास किया जाए तो इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट, अब ये इज जो है आपको देख कर है, इज है ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट, एक मजबूत जगह पर, विकेट क्रिकेट में आप समझते हैं विकेट क्या होता है, तो यहाँ पे एक मजबूत आधार पर है, यूँ कह सकते हो, डेस्पाइट इट्स सेटबैक, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इट्स यहाँ आपके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेटबैक का असफलता पराजय, इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनावों में, वेयर जहाँ इट वन ओनली, जहाँ इसने जीते वन, सेकेंड फॉर्म है विन की, ओनली 18% ऑफ द वोट्स, लोकसभा इलेक्शंस में जहाँ इसने केवल 18% वोट्स ही प्राप्त किए थे, फॉर द थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान के लिए, बिहाइंड द बीजेपी 56.6%, बीजेपी को सबसे अधिक 56.6% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% मिले थे और आपको मिले थे 18%। तो देखिए, आप जो पार्टी है, यदि अलग अलग ओपिनियन पोल्स जो हैं इनका विश्वास किया जाए तो बहुत ही मजबूत स्तर पर है, मजबूत आधार इसने तैयार कर लिया है, लोकसभा में मिली हार के बावजूद, जब उसमें 18% वोट ही मिले थे, जो तीसरे स्थान पर रही थी उसमें बीजेपी को 56.6% और कांग्रेस को 22.5% वोट्स मिले थे। अ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज लोक नीति सर्वे ऑफ मे 2019 फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द दिल्लीज वोटर्स who voted against the AAP for other parties in the national elections wanted the party to return to power in the assembly election. A center for the study of developing societies Lok Niti survey. तो देखिए, जो अध्ययन होता है developing societies, जो विकासशील समाज है, लोक नीति सर्वे, सेंटर का मतलब होता है धुरी, यहाँ पे कह दीजिए, a center for the study for of developing society लोक नीति सर्वे, तो एक जो सेंटर है इस स्टडी का, ऑफ मई 2019, जो मई 2019 में एक अध्ययन हुआ इसका सेंटर जो है, उसने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, दैट मोस्ट ऑफ दिल्लीज वोटर्स, उसने पाया कि अधिकांश जो दिल्ली के मतदाता हैं हु वोटेड अगेंस्ट द आप, जिन्होंने हु यहाँ पे वोटर्स के लिए है, एंटीसीडेंट से संबंध होता रिलेटिव प्रोनाउन का, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वोटेड अगेंस्ट द आप, जिसने वोट किया था आपके खिलाफ, फॉर अदर पार्टीज, और दूसरी पार्टीज़ के लिए वोट किया था इन द नेशनल इलेक्शंस, राष्ट्रीय चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में, वांटेड, वो चाहते थे द पार्टी टू रिटर्न टू पावर, कि ये पार्टी सत्ता में लौटे इन द असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव में। तो जो एक सेंटर था, स्टडी है, मतलब एक अध्ययन हुआ, डेवलपिंग सोसाइटीज़ लोक नीति सर्वे जो हुआ मई 2019 में, उसने ये फाइंडिंग्स थी उसकी, उसको ये आंकड़े मिले
कि वो दिल्ली के वोटर जिन्होंने आपके खिलाफ वोट किया था लोकसभा चुनाव में, वो चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में ये पार्टी फिर सत्ता में लौटे। द डाइकोटमी, डाइकोटमी का मतलब दो भागों में डिवीज़न कह सकते हो, दो भागों में बंटना कह सकते हो, सेपरेशन कह सकते हो। दिस डाइकोटमी इन सपोर्ट कुड बी एक्सप्लेन बाय द रीजनेबल सेटिस्फैक्शन अमंग वोटर्स विद द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क डन बाय अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट। ये जो दो भागों में बटी हुई विचारधारा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया और विधानसभा में यहाँ अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, इन सपोर्ट तो समर्थन में ये जो द्विविभाजन है कुड बी एक्सप्लेन, इसको समझाया जा सकता है, कुड यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड लग सकता है। बी एक्सप्लेन्ड ये पैसिव वॉइस हो गया है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसको समझाया जा सकता है बाय द रीजनेबल सेटिस्फैक्शन, रीजनेबल प्रॉपर कह सकते हो, उचित कह सकते हो, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि कि जो संतुष्टि मिली हुई है अमंग वोटर्स मतदाताओं के बीच विद द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क, और संतुष्ट किससे हैं, जो भी कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, डेवलपमेंट वर्क किए गए हैं, विकास के कार्य किए गए हैं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो सरकार है, उनके द्वारा लीड की गई सरकार है, उनके द्वारा इस कारण से जो मतदाताओं का तबका है, मतदाताओं का जो समूह है वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। अब PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट, एक PRS रिसर्च रिपोर्ट ये नाम है, सब कुछ कैपिटल में दे रखा है। तो ये जो रिपोर्ट है हैज़ शोन, शोन थर्ड फॉर्म है शो की, इसने दिखाया है द दिल्ली स्पेंड्स द मोस्ट, कि दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। अब मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव है इस कारण से दे का प्रयोग है, नियरली 40%, नियरली लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40% ये खर्च करता है ऑफ इट्स ओवरऑल बजट एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन, लगभग 40% अपने पूरे बजट का ये खर्च करता है, कंपेयर्ड टू एन एवरेज ऑफ 23% एल्सवेयर इन इंडिया। कंपेयर के साथ में टू का प्रयोग करेंगे और तुलना अगर करें भारत में किसी और जगह पर, एल्सवेयर कहीं और पर, तो केवल राष्ट्र का जो औसत है वो 23% है, जबकि 40% दिल्ली में खर्च होता है किस चीज़ पर, एडुकेशन पर, हेल्थ पर, वाटर सप्लाई पर, सैनिटेशन पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता। बिटवीन 2011 एंड 2019, 2011 और 2019 के बीच का अगर आंकड़े देखें तो ये आंकड़े सामने आते हैं, बिटवीन के साथ में एंड लगता ही है। तो PRS की एक जो रिपोर्ट है उसने दिखाया है कि दिल्ली की, दिल्ली जो है इन इन मदों पर, इन इन चीज़ों पर सबसे अधिक खर्च करता है, 40% लगभग खर्च करता है भारत में, बाकी जगह पर जो खर्च होने वाली राशि है या परसेंटेज है वो 23% ही है। द आप जो फोकस, फिर से राजनीतिक पार्टी का नाम है तो द का प्रयोग, फोकस के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है, तो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान केंद्रित है ऑन इम्प्रूविंग गवर्नमेंट रन प्राइमरी एजुकेशन, किस चीज़ पर, कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा है उस पर, उसको इम्प्रूव करने पर ध्यान है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने पर ध्यान है। द मोहल्ला क्लिनिक स्कीम इन पर्टिकुलर, विशेषतया मोहल्ला क्लिनिक स्कीम योजना इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से लोअरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई कॉस्ट, और बिजली और पानी की आपूर्ति की जो कॉस्ट आती है उसको कम करने पर जो ध्यान है। बिसाइड्स ईजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वोज का मतलब हार्डशिप आप कह सकते हो, कठिनाई, दुख, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है इसलिए ING का प्रयोग है, प्रेपोजिशन के ठीक बाद में क्रिया ING रूप में आती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो भी कष्ट हैं उनको कम करने के अतिरिक्त इन इन चीज़ों पर जो ध्यान लगा रखा है थ्रू स्कीम सच एज फ्री राइडरशिप फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट रन बसेज, और ये स्कीम्स मतलब ट्रांसपोर्ट के जो कष्ट हैं, हार्डशिप्स, उसको कम करने का काम कैसे किया है, तो थ्रू का मतलब होता है, एक प्रपोजिशन है और माध्यम के लिए आता है, तो इस माध्यम से किया है। स्कीम्स लगाई गई हैं जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री राइडरशिप दे रखी है, महिलाएं फ्री में सफ़र कर सकती हैं गवर्नमेंट द्वारा संचालित बसेज में, हैज़ अर्न द पार्टी स्ट्रॉन्ग कैंपेन पॉइंट्स, और इन चीज़ों से ये जो एक फोकस बना हुआ है आप पार्टी का इन इन मुद्दों पर, इस कारण से पार्टी को कैंपेन पॉइंट्स, चुनावी अभियान में जो पॉइंट्स मिले हैं अच्छे से इसने पॉइंट्स अर्जित किए हैं, अर्न का मतलब अर्जित करना है। एक बार फिर से देखिए, आपका जो फोकस है गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन और बेहतर करने का, हेल्थ केयर जैसे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हेल्थ केयर को अच्छे करने का, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कॉस्ट को कम करने का, और किस चीज़ के अतिरिक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कष्ट हैं, हार्डशिप हैं, उसको कम करने की कोशिश की गई है फ्री राइडरशिप ऑफ वीमेन के द्वारा गवर्नमेंट द्वारा संचालित बसों में, इन चीज़ों से इसको कैंपेन पॉइंट्स मिले हैं। दिस कुड नॉट यील्ड इट डिविडेंड्स इन मे, दिस कुड नॉट, ये जो चीज़ है
कुड नॉट यील्ड, यील्ड का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो ये चीज़ें प्रोड्यूस, और डिविडेंड का मतलब है लाभ, बेनिफिट, तो ये चीज़ें उसको मई में जो चुनाव थे उसमें लाभ नहीं दिला सके, एज द पार्टी स्टिल डज नॉट हैव ए कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशन और ए नेशनल प्रेजेंस। कारण क्या है कि पार्टी अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, डज नॉट हैव ए कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशन, कोहेरेंट का मतलब कह सकते हो उपयुक्त, तो कह सकते हो संगत, कह सकते हो रेलेवेंट, कह सकते हो कि पार्टी का अभी भी कोई वैचारिक आधार नहीं है, आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं है, और ए नेशनल प्रेजेंस या फिर राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है, राष्ट्र स्तर पर या देश के स्तर पर, देश में एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाई है पार्टी, वाइल वोटर्स वर कंसर्न विद द अदर इश्यूज़। तो जहां वोटर्स, मतदाता, वर कंसर्न का मतलब चिंतित थे बाकी मुद्दों को लेकर, जैसे कि राष्ट्र की सिक्योरिटी है, देश की सुरक्षा है, दैट फेवर्ड द बीजेपी, और ये जो चीज़ है, ये मुद्दा जो है वो डेफिनेटली बीजेपी को फेवर करता है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वोट गया। तो ये जो मुद्दे थे जो अब दिखाई दे रहे हैं वोटर्स को, इन मुद्दों ने सपोर्ट नहीं किया आपका, आपको बेनिफिट नहीं दिलाया मई के चुनाव में, क्योंकि पार्टी अभी भी कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशन का अभाव इसमें है, एक सुसंगत, एक रेलेवेंट वैचारिक स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है, या फिर राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है, और जहां वोटर्स जो हैं वो चिंतित थे अधिक किस चीज़ को लेकर, राष्ट्रीय सिक्योरिटी को लेकर, जिसने फेवर किया बीजेपी को। द आब्ज इनकोहेरेंस ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडियोलॉजी वॉज ए ड्रॉबैक। आब्ज इनकोहेरेंस जो इररेलेवेंस, संबद्धता ना होना है ना, रेलेवेंस ना होना, प्रासंगिकता ना होना, तो जो मुद्दे हैं आइडियोलॉजी से संबंधित मुद्दे हैं, रिलेटेड के साथ टू लगता है, तो विचारधारा से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर जो आपकी इनकोहेरेंस है, वो जो ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, ड्रॉबैक से मतलब क्या है, कमी कह सकते हो, तो आपकी जो इनकोहेरेंस है उन मुद्दों पर, जो विचारधारा से संबंधित मुद्दे हैं, वो एक कमी थी उस समय, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, और रीज़न के साथ में कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करना, सॉरी वाई, आपको द रीज़न वाई लगाना होता है तो हमेशा दैट का प्रयोग करना, बिकॉज नहीं लगाना, याद रखिएगा जब भी जरूरत पड़ती है कंजंक्शन की, तो ये प्रश्न में एग्जाम में आता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, और यही कारण था कि इट विल सीक टू टर्न टू पोल्स इनटू ए रेफरेंडम ऑन इट्स टेन्योर। टेन्योर का मतलब कार्यकाल, अवधि। इट विल सीक कि आप पार्टी जो है चाहेगी टू टर्न द पोल्स इनटू ए रेफरेंडम, कि इन चुनावों को एक जनमत में तब्दील कर दे, ऑन इट्स टेन्योर, अपने इस शासनकाल में, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन, मतलब विचारधारा से संबंधित प्रश्नों पर जो इनकोहेरेंस दिखाई दिया, वो एक ड्रॉबैक था उस समय, और यही कारण है कि अब ये चाहेगी कि इस पोन को रेफरेंडम में तब्दील कर दे इस कार्यकाल में। द बीजेपी होप्स टू चैलेंज द आप ऑन द दिस टफ, टफ का मतलब मैदान, क्षेत्र। तो बीजेपी आशा करती है कि वो आपको चैलेंज कर पाएगी ऑन दिस टफ, इस आधार पर, आफ्टर पासिंग ए बिल इन दिसंबर 2019 2019 में एक बिल पास करके, एक बिल पारित करके, दैट केम अप विद अ लीगल फ्रेमवर्क, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर आया है, लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी फ्रेमवर्क, ढांचा यहाँ पे मतलब जो लेकर आया था, टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स, और इस बिल में ये था कि इसमें स्वामित्व दिया गया था, स्वामित्व के अधिकार दिए गए थे, ओनरशिप अधिकार दिए गए थे टू दोज, उन लोगों के लिए लिविंग इन डेलीज अनऑथोराइज कॉलोनी, जो दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रह रहे थे, उनको ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे। ये एक विधेयक, एक प्रस्ताव पारित करवाया गया था, उसके बाद बीजेपी को आशा है कि स्टफ पर बीजेपी लीड करेगी और आपको हरा देगी। वेदर हिज दिस रिसेंट जेस्चर, जेस्चर का मतलब एक्सप्रेशन को बोलते हैं, कि क्या ये वर्तमान का जो जेस्चर है, बीजेपी का जो स्टेप है, दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू देयर रफली 5 मिलियन पीपल, जो कि इम्पोर्टेंस रखता है, दैट इज दैट यहाँ पे इसी जेस्चर के लिए, इसी स्टेप के लिए है, जो कि इम्पोर्टेंस रखता है रफली लगभग 5 मिलियन लोगों, 50 लाख लोगों के लिए, इन सच एरियाज, ऐसे क्षेत्र में, विल स्वे वोटर्स, स्वे का मतलब प्रभावित करना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो क्या ये प्रभावित कर पाएगा वोटर्स को, रिमेंस टू बी सीन, ये देखना बाकी है, ठीक है। तो ये जो रिसेंट जेस्चर है, जो वर्तमान का स्टेप है, रजिस्ट्रेशन जो पास किया गया, पारित करवाया गया 2019 दिसंबर में, तो ये जो है रफली 5 मिलियन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है इस ऐसे क्षेत्रों में, और क्या ये वोटर्स को प्रभावित कर पाएगा, रिमेंस टू बी सीन, ये देखना बाकी है, रिमेंस टू बी सीन, ये पैसे वो इसका बाकी है, टू बी प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो ये था फर्स्ट एडिटोरियल आपका 8th ऑफ जनवरी का।